हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ साथ वेन्यू, उसके साथ कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं मॉपअप राउंड के लिए, वो भी आज इस वीडियो में आपका बोल देंगे। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है, वीडियो का अंत तक जरूर देखना। और एक बात बोलना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, wbmcc.nic.in2019 जेनपा, ये गूगल में लिखेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों के सामने खुल जाएगा। ये देखिए, जेनपा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है नर्सिंग का, वो ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए, नीचे तीन नोटिस आया है, नया नोटिस। तो चलिए वन बाय वन नीचे से ऊपर तक चलते हैं और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पहले एक्सटेंडेड मॉपअप के बारे में क्या नोटिस आया है पहले पढ़ के सुना देते हैं आप। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो पेज खुला हुआ है वो है नोटिस फॉर एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2019। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले हमको पढ़ के सुना देते हैं आपको, फिर उसका मीनिंग आपको बता देंगे। द एक्सटेंडेड राउंड ऑफ मॉपअप काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2019 विल बी हेल्ड ऑन 31/10/19 फ्रॉम 10:30 AM, मतलब सुबह का 10:30 बजे 31 तारीख को ऑनवर्ड्स एट नियोटिया एकेडमी ऑफ नर्सिंग। तो नियोटिया एकेडमी ऑफ नर्सिंग में होगा जो ये मॉपअप राउंड होने वाला है एक्सटेंडेड, और होगा 31 तारीख को 10:30 बजे। तो आपको वेन्यू भी पता चल गया, टाइम एंड डेट भी आपको पता चल गया। अब चलिए आपको बोल देते हैं कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है। रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड एनी सीट इन फर्स्ट, सेकंड एंड मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जो जो रजिस्टर्ड हैं पर फर्स्ट, सेकंड और मॉपअप राउंड में कोई भी सीट आपको नहीं मिला है तो आप एलिजिबल हैं। और सबमिटेड विलिंगनेस फॉर मॉपअप राउंड काउंसलिंग, अगर आप सबमिट किए थे विलिंगनेस फॉर्म फिलअप मॉपअप राउंड के लिए प्रीवियस जो मॉपअप राउंड आपका हुआ, तो भी आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज कोई भी कैटेगरी हो तो आप एलिजिबल नहीं है। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। तो चलिए ये वाला पेज बैक करते हैं, बैक कर दिए। तो बैक करने के बाद हम लोगों के सामने एक ऐसा पेज ओपन हो गया जो है हम लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जाके आपको उसके ऊपर जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है, एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दे फिर डाउनलोड कर ले ये वाला पेज, तो आपके डाउनलोड हो जाने के बाद आपके सामने जो है एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला पेज ओपन हो जाने के बाद वन बाय वन आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका नाम है या नहीं है मॉपअप राउंड में काउंसलिंग के लिए। तो ये वाला पेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम मॉपअप राउंड में है या नहीं है एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड में। तो आपको पता चल गया कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता चल गया, वेन्यू भी आपको पता चल गया, कब जाना पड़ेगा वो भी आपको पता चल गया। तो मुझे लगता है आपका एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड के बारे में हर एक डाउट क्लियर हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कॉमेंट करके मस्ट बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर मस्ट करना, और मेरे चैनल पर नया है तो क्या करना है, यस सब्सक्राइब करके पास में एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, वरना मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।